नमस्कार। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश के अंदर कॉमेडियंस की भरमार है, चाहे कपिल शर्मा हो, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक कहिए, भारती कहिए, उसका पति कहिए, ये तो टीवी के कॉमेडियंस हो गए। उसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडियंस कहिए, यूट्यूब के कॉमेडियंस कहिए, रियल लाइफ में नंबर वन कॉमेडी किंग राहुल जी, राहुल द गांधी जी, जो कि भारत की बेइज्जती विदेश में करने जाते हैं और उसे लोग इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअल पता नहीं क्या क्या टैग दे देते हैं। तो जहाँ इतने सारे कॉमेडियंस हैं और उन सारे कॉमेडियंस को बहुत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और बहुत सारा पैसा भी मिल रहा है, तो इतने सारे कॉमेडियंस को देख करके हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन जजेस के अंदर भी कॉमेडियन बनने के जो कीड़े हैं वो कुल बुलाने लगे हैं। और आए दिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये जोक्स सुनाते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि उन जोक्स को वो लोग जजमेंट का नाम दे देते हैं। अब ऐसा ही एक जजमेंट नाम का जोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का वो जो जोक है वो ये कहता है कि जो हमारे देश के जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी जो नियुक्ति होगी ना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट उर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नाक उसमें वो घुसेड़ करके मानेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भूमिका, अगर हम एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, तो जैसे शादी में माँ बाप रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसे ही शादी में एक फूफा जी होते हैं जो कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी निकालते फिरते हैं। उसी तरह से हमारे देश के अंदर मीलॉर्ड हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैं, जो कि कहीं ना कहीं शादी में आए हुए रूठे हुए फूफा की भूमिका निभा रहे हैं, चाहे उनका यानी फूफा जी का मैटर से लेना देना हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फूफा जी हर मैटर में नाक घुसेड़ेंगे। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और ये फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट एक्चुअली मैं हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं यानी कि मिस्टर किरण रिजिजू, जो कि कानून मंत्री हैं, और उन्होंने फैक्ट रखा है कि हमारे देश में तकरीबन 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। उन 5 करोड़ पेंडिंग केसेस में से तकरीबन 70,000 के आसपास, एक्चुअल फिगर है 69,000, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 आप पकड़ सकते हैं, 70,000 केसेस अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन उन 70,000 पेंडिंग केसेस को सुलझाने निपटाने के बजाय हमारे मिलोट आधी रात में किसी के खटखटाने पर दरवाजे खोल देते हैं, या फिर पवन खेड़ा हो, या फिर अर्नब हो, या फिर कोई भी हो, मतलब जो सबसे मोटा अमाउंट देगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुल जाएंगे। लगभग ऐसे ही सीन आपने फिल्मों में देखे होंगे, जहाँ पर बार डांसर्स कहिए या फिर तवायफों के कोठे कहिए, जहाँ पर जो धन्ना सेठ या फिर जो पावरफुल आदमी ज्यादा पैसे लुटाता था, वो जो नाचने वालियां होती थीं वो अपने कमरों के दरवाजे उन धन्ना सेठों के लिए खोल दिया करती थी। ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय लोग जो हैं वो जो मोटा आसामी होता है उसके लिए आधी रात को भी दरवाजे द्वार खोल देते हैं। अब ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं, जज नाम के जो कॉमेडियन बैठते हैं, ऐसे ही एक कॉमेडियन है जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह। इनकी एक पहले आप टिप्पणी सुनिए, उसके बाद हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। And believe you me, as judges, we are no exceptions to this, because for everything that you do, you face the threat of being trolled by someone who doesn't share your point of view. We live today in an age where people are short on their patience, and they are short on their tolerance. They are short on their patience, which is a reminder to me to be brief, but people are also short on the tolerance because we're not willing to accept perspectives which are different from our own. आपने सुना कि हमारे माननीय मिलोर्ड जो हैं वो कैसे बात कर रहे हैं कि देश में टॉलरेंस कम हो रहा है, पेशेंस लेवल कम हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इतना बड़ा बड़ा ज्ञान पेलने वाले माननीय मिलोर्ड खुद कितने इनटॉलरेंट है? अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अधिवक्ता, कोई वकील अगर उनसे आर्ग्यूमेंट करता है तो मिलोर्ड का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहते हैं, सुन तू होगा किधर का वकील, हम यहाँ आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं है, हम इधर डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए। मतलब वो मिलोर्ड जो अपने इस वीडियो में दुनिया भर का ज्ञान पेल रहे थे कि यार जुडिशरी को भी लोग ट्रोल कर देते हैं, लोगों का पेशेंस लेवल कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप मिलोर्ड के ऊपर कुछ भी बोल देंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। बताइए भैया, औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत, ये तो हाल है हमारी जुडिशरी के। अब ऐसे जुडिशरी चलाने वालों को अगर आप जोकर बोल दें या सुप्रीम कोर्टा बोल दें तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। और एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने वाले मिलोर्ड वहां वीडियो में ज्ञान दे रहे थे कि लोग
लोगों का पेशेंस कम हो रहा है, टॉलरेंस लेवल कम हो रही है, जस्ट बिकॉज कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है तो लोग उसे गाली देते हैं, ट्रोल करते हैं। अरे मिलॉर्ड, आपने खुद ने भी तो वही करा, आपके सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई वकील जो है वो दूसरा आर्ग्यूमेंट देता है तो आप तुरंत उसे झाड़ देते हैं। आपके वर्डिक्ट या आपके जजमेंट के अगेंस्ट कोई कुछ ओपिनियन दे दे तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मार देते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन वही मिलॉर्ड सरेआम किसी न्यूज चैनल के एक इवेंट में बोलते हैं कि लोगों का पेशेंस लेवल कम हो रहा है। अब इसे आप एक जोक मानेंगे या नहीं मानेंगे, भाई हम तो सीधी तरह इसे एक जोक ही मानेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिलॉर्ड के जोक्स या कॉमेडी नाइट विद मिलॉर्ड यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मिलॉर्ड जो कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होगी क्या होगी वहाँ पर अपनी नाक घुसेड़ सकते हैं, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मिलॉर्ड कौन बनेगा वहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी की नाक अलाउ ही नहीं करेंगे। वहाँ पर तो अपनी लाठी अपनी भैंस, यानी कि सरकार भले ही किसी की भी हो, सिस्टम तो मिलॉर्ड का ही चलेगा। वहाँ पर वो अपना उत्तराधिकारी या अपना वारिस खुद ही चुनेंगे। वहाँ पर मिलॉर्ड जो हैं वो ना पीएम की सुनेंगे, ना पार्लियामेंट की, ना अपोजिशन लीडर की, किसी की नहीं सुनेंगे। वहाँ पर मिलॉर्ड अपना उत्तराधिकारी खुद तय करते हैं और प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं कि मैंने अपना वारिस चुन लिया है, उसके नाम पर ठप्पा लगा दो। वहाँ पर मिलॉर्ड अपनी मोनोपोली चलाएंगे, लेकिन यही मिलॉर्ड एक जजमेंट दे देते हैं जो गवर्नमेंट की मोनोपोली को ख़त्म करना चाहता है, जो कि यहीं ख़त्म नहीं होता मित्रों। इनफैक्ट सबसे बड़ा जोक तो यहाँ पर शुरू होता है। ये मिलॉर्ड जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर लोग सवाल खड़े करते हैं, अब हमारी एंट्री यानी मिलॉर्ड की एंट्री से वो डाउट जो है ना लोगों के मन में वो खत्म हो जाएंगे। अब लोग इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोलेंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है ईडी और सीबीआई इन दोनों के जो चीफ होते हैं इनका अपॉइंटमेंट पीएम, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों लोग मिलकर बैठते हैं, फिर सीबीआई और ईडी के चीफ को ये लोग अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई और ईडी को लोग मोदी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली बोलते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो लोग जो ईडी और सीबीआई पर यकीन नहीं करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एंट्री के बाद वो लोग इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे देंगे? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मिलॉर्ड जो कि लॉजिक दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट का अधिकार कम होगा, गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो सीबीआई और ईडी के जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति के टाइम पर भी अपनी नाक घुसेड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म नहीं हुई है, सीबीआई और ईडी गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि मिलॉर्ड ने क्या खाकर या क्या पी करके जजमेंट दिया। अरे भाई साहब, सीधी सी बात है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना वाला फंडा है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम है कि फालतू की पीआईएल जो प्रशांत भूषण डालता रहता है उसे एंटरटेन करते हैं, उसके ऊपर कई सारे दिन ये लोग बर्बाद करते हैं, लेकिन जो इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं उन्हें निपटाने के लिए मिलॉर्ड के पास कतई टाइम नहीं है। तो ये जो ज्यूडिशरी या जो ज्यूडिशियल सिस्टम है ये एक जोक से कम तो नहीं है, यहाँ डे बाय डे नए नए जोक्स बनते रहते हैं। इन शॉर्ट ये जो कॉमेडी नाइट विद मिलॉर्ड जो है ना, ये कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा को बार बार के टक्कर दे रही है भाई साहब। वहाँ कपिल शर्मा के जोक्स में कोई लॉजिक कोई सेंस नहीं होता है, यहाँ पर मिलॉर्ड के वर्डिक्ट में जजमेंट में कोई लॉजिक कोई सेंस ढूंढे से भी नहीं मिलता बे। तो ऐसे माननीय मिलॉर्ड एक मिलॉर्ड कम एक कॉमेडियन ज़्यादा बन चुके हैं आज की परिस्थिति में, मेरा तो ये मानना है। अब देखते हैं मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब आता है, अगर आएगा तो पता चल जाएगा कि हमारे जो माननीय मिलॉर्ड हैं उनका पेशेंस टॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मतलब मिलॉर्ड जो है दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत वाले मोड में जा चुके होंगे। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि हमारे देश में जो कॉमेडियंस हैं ना उनका करियर संकट में आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी और हमारे जो माननीय मिलॉर्ड है वो कॉमेडियंस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं कॉमेडी में या फिर जोक सुनाने में? क्या मानना है आपका कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।